कल भारतीय टीम का स्कोर 115 रन था जब ईशान किशन ने गलत शॉट मारा और वो आउट होकर वापस पवेलियन चले गए और तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव और तब भी भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए 62 रनों की जरूरत थी। लेकिन आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था उस समय कायरन पोलार्ड ने उन्हें बहुत कुछ कहा। और आपको यह भी बता दें कि कायरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। इस बार दोनों खिलाड़ियों को रिटेन भी किया गया है, कोर ग्रुप में आते हैं मुंबई इंडियंस के। जो चार खिलाड़ियों को रिटेन किया गया मुंबई इंडियंस के द्वारा उसमें ये दोनों बल्लेबाज भी थे। लेकिन कायरन पोलार्ड ने क्या कहा सूर्य कुमार यादव को ये मैं आपको बता देता हूं। सूर्य कुमार यादव कह रहे थे कि जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा था तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि कोई भी फ्लैम्बॉयंट शॉट ना खेलूं, कोई भी ग्लोरी शॉट ना खेलूं, सिंगल डबल लेकर टीम इंडिया को मैच जिताऊं। लेकिन कायरन पोलार्ड स्लिप में खड़े थे और बार बार मुझे उकसा रहे थे कि यार तुम तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए बड़े बड़े शॉट्स लगाते हो, चौके छक्कों से बात करते हो, यहां क्या हो गया, यहां क्यों नहीं दम दिखा रहे हो, जाओ गेंदबाजों के ऊपर अटैक करो, लंबे लंबे शॉट्स मारो। ये बार बार कायरन पोलार्ड जो है वो कह रहे थे सूर्य कुमार यादव को। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि दैट वॉज नॉट द नीड ऑफ द टाइम, यानी कि भारतीय टीम को मैच जिताने के लिए सिंगल डबल की जरूरत थी क्योंकि हमारे पास ओवर्स पर्याप्त थे, हमें ज्यादा बड़े शॉट्स मारने की जरूरत नहीं थी। और इसीलिए बार बार कायरन पोलार्ड उनको उकसा रहे थे कि भाई लंबे लंबे शॉट्स मारो। और आपको बता दें कि तीन उन्होंने डीप में फील्डर्स ले रखे थे, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक स्क्वायर लेग डीप, स्क्वायर लेग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग पर तीन खिलाड़ी थे। जो कि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से स्वीप करते हैं, जिस तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ वो मारते हैं शॉट, वो हवा में अगर शॉट खेलते तो कैच आउट हो सकते थे। और इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैं सिंगल डबल के साथ मैच जिताना चाहता था टीम इंडिया को, जो कि वो सफल भी हुए। लेकिन कायरन पोलार्ड बार बार स्लिप से उनको उकसा रहे थे कि यार मुंबई इंडियन के लिए बड़े बड़े शॉट्स मारते हो, किसी भी स्पिनर को आप समझते नहीं हो कुछ, लेकिन यहां पर आप स्पिनर्स को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो कि पूछो ही मत, क्यों नहीं दम दिखा रहे हो। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि बिल्कुल सही काम किया सूर्य कुमार यादव ने और टीम इंडिया को मैच जिताया, क्योंकि एक गलती उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मैच में की थी जहां पर गलत शॉट मारकर वो आउट हो गए थे। अदरवाइज भारतीय टीम वो जो मैच था आखिरी T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, माफ करें आखिरी ODI मैच, वो जीत सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीते। लेकिन उस गलती से सूर्य कुमार यादव ने सीख लिया है, ये काफी अच्छी बात है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा।